हेलो। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। आज हम दोबारा से रैंड सिमुलेटर गेम खेलने वाले हैं। तो गाइस पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने ग्रीन हाउस वाले प्लांट से थोड़े सब्जी और थोड़े फल निकाले थे और वो हमने बेस्ट बर्गर में जाके बेच दिए थे और उससे अपने को अच्छा खासा पैसा भी मिला था और हमने पार्क भी थोड़ा बेचा था। और ये देखो अपने पास अभी कितना पैसा है, $8,000 है। तो $8,000 में अभी क्या करने का, 8,000 में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले अभी जाते हैं अपन, थोड़ा खाना पीना भी चेक करते हैं। पिक का और बकरियों का भी खाना चेक करना पड़ेगा, थोड़ा दूध भी निकालना पड़ेगा। और आज अपने को घर भी बनाने का है क्योंकि हम बहुत दिन से ना टेंट में ही रह रहे थे, तो इसलिए अपने को पहले घर भी बनाना पड़ेगा। पर पहले अपने खाना चेक करते इधर पिक का और बकरियों का। और ये ग्रीनरी में भी बहुत खाना कम उगाया था तो ये भी फुल करते और फीड भी करते खाना, पानी भी फीड करते इनको बकरियों के लिए और पिक के लिए। तो अभी जाते हैं बकरियों के घर में और बकरियों का दूध निकालते। पहले बकरियों का दूध हमने कल निकाला नहीं था तो आज निकालते हैं। और इधर देखो ये डोर के सामने इतने दो तीन बकरी खड़ी, तो अपने को जा भी नहीं दे रही है अंदर। ये देखो फिर से हमने डोर खोला तो उधर ही अभी तक। तो अभी इधर से गाड़ी से ऊपर उड़ी मार के ही जाते, ये हमने ये गाड़ी इसलिए इधर रखी है। और ये देखो अपने ये बकरियाँ भी कितनी हो गई है रे सारी। और बकरे मेरे को ज़्यादा नहीं दिख रहे, थोड़े कम ही दिख रहे हैं बकरे, और बकरियाँ ज़्यादा दिख रही है। और बकरियाँ ज़्यादा दिख रहे तो अच्छा है, अपने को दूध भी ज़्यादा मिलेगा बकरियों का। तो चलो फिर फटाफट से दूध निकालते हैं बकरियों का। और वो जो दूसरा कैन लाया था ना हमने दूध के लिए, तो वो भी भरते हैं। वो तो थोड़ा भरा हुआ है, 20 लीटर है उसमें, 20 या 25 लीटर है। उसको 4 लीटर भरने का है ना, तो फटाफट से वो भी भरते हैं। और अपने को दूध के कैन लाने पड़ेंगे क्योंकि अपने पास अभी बकरियाँ भी बहुत सारी हो गई है, बकरे कम है, बकरियाँ तो ज़्यादा हो गई है। फटाफट से इसलिए दूध भी निकालते हैं। और अपने को मशीन का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी पैसे भी है अपने पास अच्छे खासे, $8,000 है पैसे। तो अपने को दूध की मशीन भी लानी पड़ेगी, दूध निकालने के लिए मशीन है ना वो ऑटोमेटिक वाली, वो भी लानी पड़ेगी। अभी दूसरे बकरी का भी हमने दूध निकाला, वो भी अभी दूध के कैन में डालते हैं। और एक बकरी को लेते हैं और फटाफट से ये दूध भी निकालते हैं, तो अपने को वो भी कैन भर के रखने का है। अभी हमने दूसरी भी बकरी इधर बीच में ले ली और अभी इसका भी दूध निकालते हैं। पर इससे तो हमने दूध निकाला है, ये दूध नहीं दे रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। दूध नहीं दे रही है क्या, दूध निकाला उसका मालूम नहीं है। तो दूसरी बकरी और लेते हैं और इसका दूध निकालते हैं। अभी ये बकरी का दूध नहीं हमने निकाला, तो फटाफट से निकालते हैं ये भी बकरी का दूध। तो अभी कितना लीटर होता है तो दूध के कैन में वो भी देखते हैं। चलो तो इसने भी 4 लीटर दिया अपने को दूध। अभी कितना भरा है अपना कैन, 35 लीटर भरा है। अभी देखो 38 लीटर तो अभी हो गया है। अभी अपने को चार चाहिए, 4 लीटर, तो फिर फुल भरेगा अपना दूध का कैन भी। और इससे भी हमने निकाला है दूध। और दूसरी और एक बकरी लेते हैं। और ये तो बकरा है, नहीं ये बकरे को नहीं, हमने बकरियों को ही ले लिए है ना, बकरियों को भी रस्सी बांध दी है। और इसका भी मैंने दूध निकाला है, कौन से बकरी का रह गया है, इतने बकरी है ना, ये दूध निकाली है ना, यही सामने आ रही है बार बार बकरी, इसलिए कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। तो अभी अपने को है ना वो टैग वाला नेम पैकेट लाना पड़ेगा। और सीजन 1 में कैसे मैंने काऊ के ऊपर नाम डाला था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वैसे बकरियों का भी नाम डालना पड़ेगा अपने को, कौन सा तो अच्छा नाम डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर से ही बुलाएंगे वो बकरियों को। तो अभी बकरी का भी दूध निकालते फटाफट से। और दूसरे बकरी का भी हमने निकाला, पर उसका तो अपने को 1.5 लीटर या 1 लीटर ही मिला मेरे को, तो इतना कम कैसे मिला क्या मालूम नहीं। और इसका तो अपने को 3 लीटर ही मिला होगा क्योंकि 1 लीटर तो पहले ही था पॉकेट में, तो इसका तो अपने को 3 ही लीटर मिला रहेगा। फिर अपने को लॉस हो गया फिर तो बकेट के वजह से, तो इसलिए अपने को मशीन लाना पड़ेगा। और इधर पिक तो बहुत बड़े हो गए, पिक को भी अभी मारना पड़ेगा, पर अभी नहीं मारेंगे, उनको बच्चा देंगे ना तब उसके बाद उनको मारेंगे, क्योंकि तब तक बड़े बच्चे हो जाएंगे और ये तो बड़े हो जाएंगे ना, और तो उनका तो पावर तो ज़्यादा मिलेगा ही। और ये देखो आपने ड्रेस भी पहना है आज और अपना घर भी बनाने का है, उसके लिए अभी पिक को भी मारना पड़ेगा थोड़े बच्चे देने के बाद। अभी जाते हैं बुक में और ये अपने घर बनाते हैं अपने लिए। कौन सा घर बनाए, छोटा वाला बनाए, ये 6 नंबर का तो हमने बनाया था ऐसा लग रहा है, और ये रेट्रो वाला तो पिछले सीजन में बना ही था। खाली 4 नंबर का और ये 2 नंबर का रह गया है फार्म हाउस। ये 6 नंबर का तो मैंने बनाया था शायद,
मुझे याद है 6 नंबर का और ये रेट्रो वाला मैंने बनाया था। खाली 4 नंबर का फार्म हाउस और 2 नंबर का फार्म हाउस मैंने बनाया था नहीं, तो अभी 4 नंबर के फार्म हाउस की ब्लूप्रिंट निकालते हैं। और ये बहुत बढ़िया दिख रही है ये ब्लूप्रिंट, और घर भी बड़ा दिख रहा है मेरे को ये 4 नंबर का। तो पर अपने पास तो 8,000 ही डॉलर है ना, तो इतने में तो नहीं हो जाएगा ये अपना घर रेडी तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए अपन छोटा ही घर बनाते हैं अभी के लिए। तो खाली ये 2 नंबर वाला ये फार्म हाउस बनाते हैं अभी के लिए, तो छोटा है। और ये पिक का घर और बकरी का घर है ना, इससे मैच भी हो रहा है, तो इसलिए अपन ये छोटा ही बनाते हैं पहले। पर ये बराबर लगी ही नहीं थी ब्लूप्रिंट, तो इसलिए हमने डेमोलिश किए और फिर से लगाते। अभी देखते हैं परफेक्ट बैठ रही क्या। हाँ अभी बराबर बैठी है, परफेक्ट ब्लूप्रिंट। तो अभी इससे प्लैंक कितने लगेंगे, 23 प्लैंक, सीमेंट 80 और ये मेटल 15 लगेंगे ना। तो मेटल तो है अपने पास, बस सीमेंट बैग नहीं है। सीमेंट बैग तो मुझे लाना पड़ेगा हार्डवेयर स्टोर से। अभी मेरे पास मेटल पड़े हुए हैं ना इधर, ये बकरियों के घर के इधर ने पिक के घर के इधर पड़े हैं ना, तो ये मेटल पहले लगाते हैं। 15 ही चाहिए ना, तो अपने पास 30 मेटल तो है, नहीं 30 नहीं 50 का है ना ये मेटल का पूरा पॉकेट, तो बंडल पूरा 50 का है। और इधर सीमेंट बैग नहीं है ना, सीमेंट बैग इधर हमने रखे थे पर इधर नहीं है, ख़त्म हो गई। अरे देखो इधर हमने प्लांट लगाए, छोटे वाले क्रॉप प्लॉट लगाए और उसमें प्लांट भी लगाए शो के लिए। तो खारे सीमेंट तो इधर नहीं है, सीमेंट का बैग, सीमेंट का बैग ही अपने को लाना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी लेते और गाड़ी से पहले प्लैंक भरते गाड़ी में फटाफट से। प्लैंक कितने लगेंगे भूल गया मैं, 23 लग रहे हैं क्या 25 लग रहे, देखते चलो। पर गाड़ी में डालते 4 तो बंडल डालते, 4 बंडल में तो हो जाएंगे। 23 से 25 लग रहे थे या ज़्यादा लग रहे क्या मालूम नहीं, थोड़े भूल गया मैं भी, फिर से जाके देखना पड़ेगा। पहले ये प्लैंक रखते हैं इसमें गाड़ी में और जाके देखते हैं कितने प्लैंक लग रहे हैं घर को। चलो अभी जाके देखते हैं घर के पास कितने लग रहे हैं। 23 प्लैंक लग रहे हैं ना, 23 प्लैंक, तो हमने तो 4 बंडल रखे हैं ना गाड़ी में, तो ये 4 बंडल में तो हो जाएगा। तो गाड़ी उधर लेते हैं फटाफट से घर के पास और लगाते हैं प्लैंक। आ गए हम घर के पास प्लैंक लेके गाड़ी में से, फिर लगाते। लग नहीं रहा है क्या प्लैंक, ये क्या इधर लग नहीं रहा है प्लैंक, अरे इधर लगा दे, अरे इधर तो लग रहा है। ओ भाई ये तो पहले अपने को ये पहले घर का साँचा बनाना पड़ेगा, फिर ये घर के ऐसे हमने ब्लूप्रिंट बनाई है, वैसे अपने को पहले लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी सब, उधर जाके एक एक लकड़ियाँ लगानी पड़ेगी तब ये साँचा पूरा होगा। और उसके बाद में अपने को सीमेंट का बैग भी लाके इधर ये नीचे का फाउंडेशन भी रेडी करना पड़ेगा, पर पहले फाउंडेशन तो रेडी करना चाहिए था, उसके बाद में अपने को लकड़ी लगानी चाहिए थी। पर हम पहले ही लकड़ी लगा रहे हैं और फाउंडेशन तो बाद में करेंगे, तो उसके लिए तो अपने को हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा ना मेरे को। तो ये प्लैंक लगाते हैं, नीचे के प्लैंक तो हमने लगाए, अभी ऊपर रह गए और ऊपर सीढ़ी दिख रही है, तो एक फ्लोर तो मेरे को एक बेडरूम तो रहेगा ऊपर। फिर तो अभी ये प्लैंक निकालते हैं और पहले हार्डवेयर स्टोर जाते हैं, हार्डवेयर स्टोर से सारा सामान लाते हैं। बैग लगेगी ना अपने को 50 50 की बैग, 80 चाहिए ना सीमेंट बैग, तो 50 50 की बड़ी वाली बैग लेनी पड़ेगी। तो अभी जाते हैं हार्डवेयर स्टोर में। और गाइज लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो रहा है क्या, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बढ़िया बढ़िया गेम आने वाले हैं। तो फटाफट से जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और नीचे रेड बटन रहेगा वो भी फटाफट से दबा दो, और नीचे कमेंट का बॉक्स रहेगा उसमें भी फटाफट से कमेंट कर दो। तो अभी हम नज़दीकी आ गए हार्डवेयर स्टोर के पास, अभी जाते हैं पीछे से हार्डवेयर स्टोर में और अपना थोड़ा सामान लेते हैं। और इधर भी देखते हैं मिल्क का ऑटोमेटिक मशीन मिलता है क्या दूध निकालने के लिए, इधर नहीं मिलेगा तो फिर आपने को जनरल स्टोर जाना पड़ेगा, मेरे को जनरल स्टोर जाना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इधर, पहले अपने को सीमेंट बैग लेते हैं, 2 सीमेंट बैग तो चाहिए ना अपने को घर बनाने के लिए। तो ये 250 डॉलर में मिल रहा है, तो 2 हमने बैग लिया सीमेंट के बैग। अभी नीचे भी देखते हैं, नीचे तो नहीं दिख रहा है मेरे को ऑटोमेटिक मशीन ही है, इधर तो मुझे दूध का कैन भी दिख रहा है। तो दूध का कैन इधर से ले लूँ क्या, जनरल स्टोर से ले लूँ, तो इधर से ही लेते। अभी आए तो जो हार्डवेयर स्टोर में तो इधर से ही लेते हैं ना, क्योंकि जनरल स्टोर जाएंगे फिर जनरल स्टोर तो जाना है पड़ेगा ही अपने को, क्योंकि मिल्क का मशीन भी लेने का है ना अपने को, मिल्क मशीन, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा जनरल स्टोर। अभी हमने इधर 2 सीमेंट के बैग 3 दूध के कैन बाय किया हमने, और इसका बिल हो गया पूरा 905 डॉलर हो गया बिल, वो हमने फिर से फटाफट से भर दिया और ये प्रोडक्ट ले लिए सब। अभी ये सब रखते हैं इधर दूध के कैन,
और इधर दूध के कैन 3 बैटरे के 4 बैटरे, तो फिर 4 बैटरे हो गए ना, तो और एक दूध का कैन लेंगे। अभी तो हमने 3 ही लिए हैं ना दूध के कैन, तो ये सीमेंट के बैग है ना, ये भी नीचे रखते हैं, और इस पर है ना दूध का कैन रखते हैं, और देखते हैं कितने बैटरे हैं दूध के कैन। और इधर एक जगह रहेगी ना, तो उधर भी एक कैन बैठाते हैं। पहले ना ये कैन लेने से पहले ना, ये दूध का कैन है ना, ये इधर रख के देखते हैं बैठ रहे रहे। तो फिर और एक लेते हैं दूध का कैन फटाफट से। और ये कितने में मिल रहा है एक दूध का कैन? हमने प्राइस ही नहीं देखा इसका, कितना? $135 में एक दूध का कैन, और वो $250 में सीमेंट बैग मिल रही थी ना। ओ भाई, इतनी महंगी है दूध का कैन, इतना महंगा है? और वो सीमेंट की बैग तो महंगी रहेगी, पर ये दूध का कैन तो इतना महंगा है, बहुत सारा महंगा है रे, $135 का। इस हमने ये सामान रख दिया गाड़ी में, अभी जाते हैं जनरल स्टोर पे। जनरल स्टोर से भी थोड़ा सामान लेने का है ना अपने को, तो उधर जाना पड़ेगा पहले। चलो फिर जाते हैं जनरल स्टोर। तो आज थोड़ा अपन रोड से जाएंगे, नहीं तो फिर हम कभी भी रोड से जाते ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट ही मारते हैं। आज हम रोड से जाने की कोशिश करेंगे। और ये देखो हिरन, देखो क्या चौड़ में इतना सामने से आ रहा हूँ फास्ट में, और मेरे ऊपर आ रही है। अभी हिरन को तो मैंने थोड़ा उड़ाया, भी उसको थोड़ी चोट आई होगी, खरोच भी आई होगी किधर न किधर तो। पर हिरन को किसने बोला था बीच में आने के लिए? अपनी तो कुछ गलती नहीं है, रोड पे घूमने का नहीं है, रोड तो गाड़ी चलाने के लिए हो रहता है। वो तो उसके लिए तो पेड़ वेड़ है ना, इधर साइड में जगह है ना, साइड में नहीं घूमती, रोड पे ही आती है और गाड़ी के सामने ही आती है। और वो भालू भी वैसा ही है, भालू भेड़िए वो भी रोड के सामने ही आते हैं, गाड़ी के सामने, रोड के सामने क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी के सामने ही आते हैं। ओके गाइस, तो अभी आ गए हम जनरल स्टोर। जनरल स्टोर से अपने को खाली ये मिल्किंग मशीन लेने गए ना, $750 की है ये भी। अभी अपने पास $6,000 ही बचे, वैसे 7,000 ही डॉलर है, $6,800 है अपने पास अभी बचे हुए। तो ये हमने मिल्किंग मशीन भी ले ली इधर से, 750 डॉलर की, $5 क्या बोल रहा हूँ। अरे इसको ये बैठ नहीं रहे क्या इधर गाड़ी में? इसको दूध का कैन निकालते पहले और बिठाते, अभी देखते हैं बैठ रहे क्या। ये बॉक्स ही है ना खाली। ओके, ये तो बॉक्स बैठ गया, अभी इस पर दूध का कैन रखते हैं। चलो हो गया, सब सामान बैठ गया इसमें गाड़ी में, थोड़ा जुगाड़ बिगाड़ लगा के हमने बिठा दिया सब सामान। अभी जाते हैं रेंच में, और फटाफट से है ना अपने को घर भी कंप्लीट करने का है, और ये दूध के कैन भी रखने के अपने को बकरियों के घर के पास। उधर पहले जाते हैं बकरियों के घर के पास, और उधर दूध का कैन रखेंगे, और ये दूध की मशीन भी रखेंगे दूध निकालने की। ओके गाइस, तो आ गए हम अभी रेंच में, इधर बकरियों के घर के इधर रुकाते हैं, और एक कैन साइड में रखते हैं इधर कोने में। कोने में क्यों रखेंगे? बीच में ही रखेंगे, क्योंकि अपने को विंडो से भी लेना पड़ेगा ना अंदर, इसलिए। और ये मशीन भी इधर ही रखते हैं साइड में। तो अभी घर के पास जाते हैं, और खाली सीमेंट ही रह गए हैं ना, सीमेंट तो फटाफट से लगाते हैं, नीचे का फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं। और ये देखो प्लैंके से उड़ के हवा में गया। एक तो हमने सीमेंट की बैग लगाई, और दूसरी लगाने के बाद अपने नीचे के घर का फाउंडेशन तो रेडी हो गया। अभी इधर सीढ़ियों पे ले लगाते हैं, और अंदर ऊपर बेडरूम पे जाने के लिए भी सीढ़ी है ना, उधर भी प्लैंक फटाफट से लगाते हैं। और ज़्यादा नहीं प्लैंक लगेंगे इसको, घर को, इस घर को 23 ही लग रहे हैं ना। तो अभी ये भी लगाया, और ये लास्ट वाला इधर भी लगाया हमने। अभी घर भी अपना रेडी हो गया है, ये देखो ये प्लैंक है ना बचा हुआ एक, इसको साइड में रखते हैं। अभी देखते हैं घर। ओ भाई साहब, क्या घर दिख रहा है अपना, छोटा सा। अपनी ज़्यादा फैमिली भी नहीं है, अपनी शादी भी नहीं हुई है, दादाजी भी नहीं है ना, और दादी भी नहीं है, अपने लिए तो इतना छोटा बस है, अकेले के लिए, एक अकेले आदमी के लिए तो इतना घर तो ठीक ठाक है। और अभी जाते हैं अंदर, देखो छोटा, और ये ऊपर देखो एंटीना भी है, और अंदर टीवी वीवी भी रहेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये देखो घर के बाहर साइड भी लैंप है, लाइट बीट है अपने लिए रात के लिए, इधर बाहर बैठने के लिए। तो इधर दो लैंप है, पर स्विच नहीं है, उधर स्विच नहीं था, और इधर भी स्विच नहीं दिख रहा है मेरे को लाइट का। हाँ ये देखो इधर है, ऊपर जाने के रोड है ना अपने बेडरूम के जाने के लिए, तो उधर स्विच था। ये देखो लाइट लगाया हमने, और बाहर की लाइट भी चालू हो गई है। और इधर मेरे को अंदर टेबल दिख रहा है, ये देखो अपने को डाइनिंग टेबल रखा है खाने के लिए, और ये अपना किचन, 4 सिगड़ियों का, 4 गैस का, और इधर एक रैक लगा है। और इधर क्या है ये रूम में? अरे ये तो गोडाउन है, मतलब सामान रख सकते हैं उसमें अपन, बैग वैग अपना रहने का। तो अभी जाते हैं अपन ऊपर, ऊपर क्या है वो देखते हैं।
ऊपर इधर बेड दिख रहा है, पहले स्विच ऑन करते और लाइट इधर की लगाते, और इधर टीवी भी है, इधर बेड है जो अपने सोने के लिए बेड, और इधर एक स्टोरेज बॉक्स है, और इधर बुक भी रखे अपने को पढ़ने के लिए। अभी ये टीवी भी है ना इधर, ये भी लगा के देखते हैं ये चालू है कि टीवी या बंद है। तो ऊपर तो एंटीना है तो देखो, अरे ये तो चालू है टीवी, और इधर तो कुछ तो टीवी पर चालू है कुछ तो, और म्यूजिक तो बज रहा है, अच्छा है म्यूजिक, और किसका तो ऐड दिखा रहे हैं। अभी अपने घर में आए हैं, बेड इधर बेड के इधर भी आए तो थोड़ा सोते भी है, बहुत दिन से हम सोए भी नहीं है बेड पे, जब से दादाजी के रेंज पे आए तभी तो से हम टेंट में ही रह रहे थे, तो आज आराम से सोते हैं इधर, और अपने को नींद भी बहुत अच्छी आ रही है, और ये बेड पे सोने का मज़ा ही अच्छा लग रहा है। चलो अभी थोड़ा सोए हम बेड पे, अभी जाते हैं नीचे, और नीचे जाने से पहले ना इधर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा लाइट का भी बंदोबस्त करते हैं। ये सीढ़ी के पास ही थोड़ा अंधेरा दिख रहा है ना, तो इधर ही वॉल लैंप लगाते हैं, ये वॉल लैंप का हमने ब्लूप्रिंट लगाया, तो अभी चलो नीचे जाते हैं, मेटल और लकड़ियाँ लाते हैं। पर इधर तो हम जाते समय अटक रहे हैं, तो ये तो अभी तो ब्लूप्रिंट ही है, तो हमने ये इसको परफेक्ट बनाया तो बार बार हम अटक जाएंगे उधर। तो उधर से ब्लूप्रिंट निकालते और जाते हैं किचन में, किचन में एक लैंप लगाते हैं, सीलिंग वाला लैंप। उधर थोड़ा अंधेरा दिख रहा था मेरे को, इधर देखो खाना पीना बनाते समय थोड़ा लाइट तो चाहिए ना इधर, इसलिए इधर लैंप लगाते हैं, सीलिंग वाला लैंप ये हमने लगाया। अभी इसके लिए मेटल चाहिए ना, मेटल है अपने पास, इधर गए रे मेटल, हाँ इधर रखे है ना, ये सीढ़ियों के पास रखे हैं। तो उधर जाते पर किचन में मेटल लेके और ये लैंप लगा चालू करते हैं, मेटल लगा के अभी देखो बराबर रोशनी आ रही है इधर किचन में, और एक वो जो रूम है ना इधर गोडाउन वाला, इधर भी लगाते, इधर भी बहुत अंधेरा दिख रहा है। कुछ इधर सामान रखेंगे, अपना सामान रखेंगे तो थोड़ा उजाला तो चाहिए ना, रोशनी तो चाहिए ना, नहीं तो फिर चूहे भी आएंगे और उस सामान भी बन खा जाएंगे, इसलिए थोड़ा लाइट लगाते हैं। इधर सीलिंग वाला लैंप, सीलिंग वाला लैंप लगाया, इधर मेटल देते और ये भी चालू करते। अभी देखो इधर कैसे रोशनी आ रही है, अच्छा दिख रहा है वो दिखने में भी। और किधर लगा सकते हैं क्या रोशनी के लिए लाइट, इधर नहीं लगा सकते। और देखो इधर ये टेबल पे है ना रेडियो भी है, और इधर भी हम गाना भी ना सुन सकते, पर ये टीवी का पहले आवाज़ चल रहा है ना म्यूजिक का, तो ये टीवी पहले बंद करते हैं, अभी रेडियो चेक करते उधर जाके। पर पहले ही ना इधर लैंप लगा के देखते हैं, ये दूसरा सीलिंग वाला लैंप है ना ये भी लगा के देखते हैं इधर, नहीं तो फिर जो वॉल वाला लैंप है ना वो भी लगा के देखते हैं। इधर ऊपर तो सीलिंग वाला लैंप नहीं बैठ रहा है, साइड में बैठ रहा है, ऊपर नहीं बैठ रहा है, ऊपर के लिए तो अपने को ऊपर ही चाहिए था, पर इधर नहीं। और इधर देखते हैं ये वॉल लैम्प, इधर बैठाते वॉल लैम्प को, और ये मेटल और प्लैंक लगाते, मेटल है ना इधर, मेटल उधर जाके लगाते हैं वॉल लैम्प को, और इधर से लग नहीं रहे, ऊपर जाके देखते हैं, अरे इधर से भी नहीं लग रहे मेटल, क्यों नहीं लग रहे इधर, देखते फिर से निकल के, अरे इधर तो लग नहीं रहे मेटल, ऊपर लगा नहीं सकते क्या। देखो अभी प्लैंक लाते हैं, प्लैंक लगा के देखते हैं उधर लग रहे क्या प्लैंक, तो प्लैंक तो हमने ले लिए हाथ में, भी जाके ऊपर देखते, अरे प्लैंक भी नहीं लग रहे इधर, ऐसे कैसे हो सकता है, प्लैंक तो लगनी चाहिए, ब्लूप्रिंट तो लग रही है पर प्लैंक नहीं लग रहे, ऐसे कैसे। अभी इधर देखते हैं सामने वाले हिरन का सर है ना, उधर जाके वॉल लैंप लगाया हमने ब्लूप्रिंट, इधर भी नहीं लग रही है, चलो फिर नीचे ही रखते हैं प्लैंक, ऊपर तो कुछ बैठ नहीं रहा है तो लैंप लगा नहीं सकते ऊपर, ऊपर जो है वही फिट कर सक फिट है ना पहले से ही, ऊपर के लिए तो लैंप नहीं लगा सकते पर अपन नीचे लगा सकते हैं। और ये रेडियो का हमने देखा ही नहीं गाना बज रहा है कि नहीं, रेडियो तो ऑन ऑफ किया पर गाना नहीं बज रहा है। अभी अंदर जाते हैं और इधर देखो एक कपाट है स्टोरेज बॉक्स, और इधर एक रैक है, और उस पे ना काऊ का पिगी बैंक पड़ा है, उसमें हम पैसे डालेंगे थोड़े थोड़े, और पैसा जमा करेंगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए भी, और फैमिली भी बढ़ानी पड़ेगी ना अपने को जल्दी से, शादी भी करनी पड़ेगी ना, उसके बाद फैमिली आ जाएगी ना ब्रांच में अपने, उसके लिए भी पहले से अपने को थोड़ा मनी एक सेव करना पड़ेगा, मनी सेव करना पड़ेगा। अब ये गाड़ी लगाते हैं साइड में, ओ भाई हम अटक गए गाड़ी के इधर ही, तो अभी देखते हैं अपना घर, ये देखो क्या छोटा सा प्यारा सा घर दिख रहा है,
मस्त लग रहा है यार घर ये। पर भी देखो ये विंडो विंडो कैसे चमक रही है, विंडो भी उधर से ऊपर से भी देख सकते हैं अपन विंडो से अपने रेंच में क्या चल रहा है। और बाहर की साइड भी लाइट वीट भी है और सीढ़ियाँ भी मस्त दिख रही है बाहर की साइड की। तो चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही, अभी फिलहाल में जाते हैं, बाकी चीज़ों को हम अगले वीडियो में करते हैं। यह एपिसोड कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बताना, नए आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बड़े बड़े गेम आने वाले हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।